नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंसी चैनल में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे अभी भी मैंने NASL AO मेंस का मॉक नंबर 3 दिया था, जिसमें मैं अभी अपने मार्क्स शेयर करता हूँ आपको। लेकिन मार्क्स शेयर करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आने वाले जितने भी मतलब मॉक दूंगा या फिर जितने भी वीडियोज़ आएंगी आपको अपडेट रहे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे थोड़ा सा उससे मोटिवेशन मिल जाए। चलो देखते हैं मेरे मार्क्स कितने हैं। अभी भी मैंने दिया है ये रहा। तो यहाँ पे मैंने देखा जाए तो मेरे ओवरऑल अटेम्प्टेड 130 आउट ऑफ 200, जिसमें से 102 करेक्ट, 101 करेक्ट है और 29 इनकरेक्ट है। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, 29 इनकरेक्ट है, तो स्कोर बनता है 93.75, जो कि 91% आयल है, ठीक परसेंट आयल है। लेकिन अगर अब हम देखते हैं इसमें गलतियाँ क्या क्या है मेरी। यहाँ पे जो रीजनिंग है, बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग में मेरे 31 अटेम्प्टेड थे, जिसमें स्कोर मेरा 26 बना है और 76% आयल। देखिए, अब मुझे इम्प्रूव करना है इसी सेक्शन में। 76 मतलब ये बहुत कम है, इसको हमेशा 80 या 85 से अबव रखेंगे इस मेंस के मॉक में, ठीक है ना। क्योंकि सिलेक्शन रेट भी बहुत, प्रीलिम्स भी बहुत कम बच्चों ने क्वालिफाई किया है। और इंग्लिश में देखा जाए तो मैंने 42 किए हैं और 31 करेक्ट है और स्कोर बनता है 28 विद 95% आयल, जो कि ठीक ठाक, ठीक है परसेंटाइल। अब बात करें जीए में, जीए में 34 आउट ऑफ 50 है और करेक्ट है 23, और यहाँ पे बना है 61% आयल। ओ भाई, जीए में तो बहुत काम करना है इसको हमेशा। अगर सिलेक्शन मेन फाइनल चाहिए तो मेन जो यू टर्न होता है वो जीए का रोल होता है, कि जो पूरा पूरा सिलेक्शन की तरफ ले जाता है। अगर जीए ठीक है तो तुम्हारी, तुम सबसे अलग रहोगे, जो कि काम करने की जरूरत पड़ेंगे। और क्वांट में देखा जाए तो मैंने 23 अटेम्प्ट थी, जिसमें 3 गलत और 20 सही था, स्कोर बना 19.25 बना और परसेंटाइल 79.1। नहीं, इस देखो, बेसिकली मुझे पता है मेरा वीक सेक्शन कौन सा। मेरा एक रीजनिंग है और मेरा जीए है, मेरा रीजनिंग और क्वांट है, इसके यहाँ पे मुझे काम करने की जरूरत है। 91% आयल मुझे पता है क्यों बनी है, क्योंकि इसका जो यहाँ पे मेरा इंग्लिश का सेक्शन है ना, ठीक चला गया था, एक्यूरेसी अच्छी आ गई थी इसकी वजह से। तो अब देखते हैं कि अगर आपने भी ये मॉक दिया, अगर आपने भी ये मॉक दिया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने कितना स्कोर किया और क्या आपने मुझे बीट किया है या नहीं किया है। अपना स्कोर जरूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट मॉक के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।